हेलो गाइस, वेलकम टू दिस मेडी न्यूज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एवेंजर 4 के कमाल के अपडेट के बारे में। तो आपने मेरा टाइटल और थंबनेल तो देख ही लिया होगा। तो हम बात करेंगे कैप्टन अमेरिका के बारे में, जो कि इस मूवी में मेन है। और उसके साथ साथ इन्होंने काफी कमाल का अपडेट दिया कल ट्विटर अकाउंट पे। तो कैप्टन अमेरिका ने ट्विटर अकाउंट पे कुछ ऐसा बोला जिससे कि काफी फैन इमोशनल भी हो गए और देन उनके लिए काफी बैड न्यूज रही। अब उसमें बैड न्यूज क्या थी, उन्होंने तो सिर्फ एक ट्वीट करा था ना एवेंजर 4 से रिलेटेड। तो मैं आपको बताता हूँ, कैप्टन अमेरिका यानी कि क्रिस इवांस का कल लास्ट डे था एवेंजर 4 में, यानी कि शूटिंग के। और उनका लास्ट डे के साथ साथ उन्होंने ट्विटर अकाउंट पे लिखा कि उन्होंने काफी अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस करे और 8 साल के लिए उन्होंने थैंक यू बोला। और एवेंजर 4 में उनका कल लास्ट डे था, तो वो काफी इमोशनल वाला सीन था। यानी कि एवेंजर 4 की शूटिंग वो फिनिश कर चुके हैं और उनके लिए वो लास्ट डे काफी इमोशनल वाला था। अब इसमें बैड न्यूज क्या है, अब सबसे बड़ी चुनौती फैंस के लिए कल से बन गई थी, मेरे लिए भी और आपके लिए। वो चुनौती क्या थी, वो चुनौती ये थी कि कैप्टन अमेरिका ने 8 साल के लिए थैंक यू बोला, ऐसा क्यों? क्या कैप्टन अमेरिका एवेंजर 4 में मारे जाएंगे? तो ये सबसे बड़ा सवाल उठा कल की न्यूज में, कल के ट्विटर अकाउंट में जो उन्होंने ट्वीट करा। और देन फैंस के मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन आ गया कि उन्होंने 8 साल के लिए थैंक यू क्यों बोला, क्या वो आगे इन फ्यूचर एमसीयू फेज 4 में होंगे या नहीं। तो ये काफी सारे क्वेश्चन है जिसका आंसर तो मेरे पास भी नहीं है, बट ये न्यूज मेरे लिए वो काफी बैड रही। और देन गाइस, आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कैप्टन अमेरिका की इस अपडेट से रिलेटेड। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखे, या तो उस पर प्रोफेसर हल्के हाथ मारो या पैर मारो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूँ।